अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक हो। आज बहुत बरकत दिन है, जुम्मा मुबारक। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट से, ब्लॉगर वेबसाइट से। ये मेरी अर्निंग है थोड़ी ही दिन के, क्योंकि मैंने इतना काम नहीं किया था उसके ऊपर। मैंने रिफ्रेश भी कर दिया आपके सामने कि ऐसे ने लोग बता दी कि स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपके सामने है। मैंने उसको रिफ्रेश किया और ये देखते हैं आपके सामने अर्निंग रिवेन्यू थोड़ी ही दिन की, और ये लास्ट मंथ की जो मैंने यूट्यूब से ली थी वही अर्निंग आपके सामने है, आप देख सकते हैं उसको। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर काम करके, ब्लॉगर के ऊपर काम करके आप लोग भी कमा सकते हैं। ये मैं स्टेटस बता देता हूँ आपको लास्ट 28 डेज़ का, कि कितने व्यूज़ आए थे उस पर, कितने क्लिक्स थे। तो आपके सामने 6820 व्यूज़ थे और 187 क्लिक्स थे उसके ऊपर, इतनी ही अर्निंग हुई। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, इतनी अच्छी ही अर्निंग कर सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ईज़िली काम है ब्लॉगर सीखना, काम करना। कॉपी पेस्ट वर्क होता है मोस्टली, इतना काम डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप लोग ईज़िली कर सकते, मैनेज कर सकते। ये आपके सामने लास्ट 28 डेज कंट्रीज़ में बता देता हूँ आप लोगों को। देखो USA, कनाडा, UK, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इतनी अच्छी अच्छी रेवेन्यू हुई। अभी मैं आपको डिटेल रिपोर्ट बता देता हूँ, आपके सामने रहेगी अभी डिटेल रिपोर्ट, कितनी व्यूज़ पे कितने हिसाब से आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो गई है। तो ये देख लीजिए, बहुत कमती व्यूज़ में सबसे ज़्यादा व्यूज़ USA से हमारे ब्लॉगर पे आ चुके। आप जब पोस्ट कर रहे तो उसमें अच्छी टाइटल डालेंगे, टाइटल से आपके व्यूज़ आएंगे सर्च के थ्रू। और इम्पॉर्टेंट बात, आप जब गूगल अपना पोस्ट पब्लिश कर देते हैं तो उसको गूगल इंडेक्स करना ज़रूर कर दिया है, ताकि गूगल सर्च कंसोल में आपका अच्छी खासी सर्च इंजन में आपका वीडियोज़ या आपका जो ब्लॉगर पब्लिश है वो आ जाए पोस्ट के हिसाब से। तो उससे रिवेन्यू अच्छी हो जाती है, आपके रिवेन्यू जनरेट करने में आपको ये हेल्प हो जाएगी उससे। तो ब्लॉगर बहुत इजी काम है, इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो ये देख लीजिए, मैं अपना वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक पोस्ट में ओपन कर लेता हूँ आपके सामने है। तो देख लीजिए, इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इजी काम है। आप लोग किसी भी वेबसाइट से लेके अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपका जब तक अप्रूवल एडसेंस का नहीं है तो यूनिक आर्टिकल होने चाहिए। उसके लिए अगर आप किसी भी वेबसाइट से आर्टिकल ले रहे हैं तो उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, अरबी, किसी भी लैंग्वेज में कर दीजिए। एडसेंस अप्रूवल आने के बाद किसी भी वेबसाइट का कुछ भी डेटा आप लोग ले सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। देखो एडवर्टाइजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर के मैंने लिए, तो आप लोग वैसे ऐसा ही कर सकते हैं। मीन्स इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, अगर आप चाहे तो विद इन फ्यू डेज़ आप अप्रूवल ले सकते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ये है स्टार्टिंग में आपका रिवेन्यू कमती होगा, क्योंकि वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक इतना नहीं होगा। जैसे ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा होने लगेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे, तो उसी हिसाब से आप लोगों का फिर रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और आपका रिवेन्यू इंक्रीज़ होगा डे बाई डे। जितना टाइम आप लोग काम करेंगे, जितना आप लोग टाइम वक्त देंगे वेबसाइट को काम करने के लिए, उतना ही रिवेन्यू आपका अच्छा से अच्छा आ जाएगा। तो कोई इशू नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं। देखो अब मैंने दोबारा रिफ्रेश कर दिया, पेज वापस आ गया। तो मीन्स लाइव ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अपना एडसेंस अकाउंट का, और पेमेंट पे भी मैं चला जाता हूँ आपके सामने। आप देखेंगे आप कितनी कितनी पेमेंट है। देखो 31.7 लास्ट मंथ का हुआ है ब्लॉगर से मेरा, और ये देखो ये यूट्यूब से मैंने लास्ट मंथ रिसीव किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ा काम कर दीजिए अपनी वेबसाइट पे काम करने के लिए। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो कर दीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को रिसीव हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।